हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवलपीडिया हिंदी में। आज हम एक ऐसे अद्भुत शहर की सैर करेंगे जिसे अक्सर महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते। औरंगाबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। महाराष्ट्र राज्य के केंद्र में स्थित ये शहर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह शहर अपने प्राचीन स्मारकों, प्राचीन मंदिर, गुफा और किलों के अलावा शांति योग तथा खूबसूरती से भरी बगीचों और समृद्ध जैव विविधता के लिए काफी मशहूर है। साथ ही यह शहर विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाओं सहित कई ऐतिहासिक स्मारकों से घिरा हुआ है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। इसी कारण शहर को 2010 में महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया था। पर बात करें शहर के क्षेत्रफल की, तो ये शहर लगभग 10,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और साल 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 37 लाख के लगभग है और इस शहर में प्रचलित भाषाएं मराठी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी से औरंगाबाद को अधिक आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये शहर कलात्मक रेशमी वस्त्रों, विशेषकर शॉल के लिए काफी प्रसिद्ध है तथा उच्च शिक्षा हेतु अनेक महाविद्यालय भी है। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय यहाँ का विख्यात शिक्षा केंद्र है। दोस्तों, महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर के रूप में प्रसिद्ध औरंगाबाद अपनी मध्यकालीन स्मारकों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा ये शहर कई शानदार मुगल वास्तुकला उसे भी संपन्न है, जैसे बीवी का मकबरा, जमा मस्जिद, दौलताबाद खिलाओ और बावन द्वार है जो मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, खास बात यह है कि यह शहर चारों ओर पहाड़ों से जुड़ी हुई है, जिस कारण शहर के आसपास का नजारा बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। प्लीज अगर आप ये सोचते हैं कि केवल ताजमहल ही प्रियंका अंतिम तिथि है तो आपको बीवी का मकबरा जरूर देखना चाहिए। ठीक है, बीबी का मकबरा आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की बहुत अधिक होती है और आना चाहता है और औरंगाबाद से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। खोज का श्रेय ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ को जाता है जिन्होंने इसकी खोज 1819 में की थी। अजंता की गुफाएं प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट प्रतीक है और इसे भारतीय कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण के रूप में माना जाता है। प्रिंट औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देश की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से है। ये गुफाएं शिल्प स्थापत्य कला के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से तीन अलग अलग धर्म उनका प्रतिनिधित्व करती है। चट्टानों को काटकर बनाई गई है। तुपाए अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और विशाल गुफाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। एलोरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हाशिम गुफाएं महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो इसके अलावा औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित कृष्ण मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से है। हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए उन स्थानों पर शिवलिंग गोकुल ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है जिसने सबसे अधिक और 1212 विश्वेश्वर मंदिर को माना जाता है। इसके अलावा यहां स्थित दौलताबाद किला महाराष्ट्र का एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक किला है जो औरंगाबाद से लगभग 17 किलोमीटर दूर दौलताबाद देवगिरी नामक शहर में स्थित है। आज ही किला अपनी शानदार इतिहास को समेटे हुए भव्य रूप से खड़ा है और इसने महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। किले के अंदर चांद मीनार और चीनी महल सहित कई अलग अलग चरणों को देखा जा सकता है। अपनी प्राचीन इतिहास और आश्चर्यजनक वास्तुकला के साथ दौलताबाद का किला औरंगाबाद में घूमने के लिए सबसे आकर्षक होने से माना जाता है। औरंगाबाद वर्ल्ड टूरिस्ट के नक्शे पर कई दशकों से है। सदियों से विदेशी सैलानियों का औरंगाबाद का समिति का पर्यटन स्थल रहा है। ये का हवाई अड्डा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो देश और विदेश से भलीभांति जुड़ा हुआ है। यहाँ पास में ही रेलवे स्टेशन है जो देश के प्रमुख शहरों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। ये शहर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 335 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और भारत की राजधानी दिल्ली से 1273 किलोमीटर दूर है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।